मैंने लगभग 100 वीडियोस बनाए हैं फेसबुक और यूट्यूब पे और अराउंड 98% वीडियोस पे 1 लाख प्लस व्यूज आए हैं फेसबुक पे और 150K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए मेरे फेसबुक पे और 34K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए यूट्यूब पे। मेरी इस यूट्यूब जर्नी की सक्सेस का वन ऑफ बिगेस्ट रीजन रहा है वॉइस क्वालिटी। अगर आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होगी तो लोगों को आपकी वीडियो देखने में मजा आएगा, वो ज्यादा देर तक आपकी वीडियो देखेंगे, उससे आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, एंगेजमेंट बढ़ेगा और आपको ज्यादा व्यूज मिलेंगे। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है इस माइक में बस बोलना पड़ता है और ऐसी वॉइस क्वालिटी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है। जैसे अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक से आ रही है विदाउट एनी एडिटिंग, कोई एडिटिंग नहीं है। तो आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा नॉइज़ है बैकग्राउंड में, बेसिक सी वॉइस क्वालिटी है और इस वॉइस क्वालिटी पे बहुत कम लोग ये वीडियो देखेंगे, इसलिए थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है। और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो भी इसी माइक्रोफोन से आ रही है लेकिन एडिटिंग के बाद, तो आपने डिफरेंस देखी होगी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं मैं खुद कैसे वॉइस एडिट करता हूं, कैसे आप किसी बेसिक से बेसिक माइक्रोफोन से हाई क्वालिटी प्रोफेशनल वॉइस क्वालिटी अचीव कर पाओगे। 5 सिंपल स्टेप्स मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं यूज करता हूं, उन्हीं 5 सिंपल स्टेप्स को आप किसी जगह नोट डाउन करेंगे, उनको अप्लाई करना है, विद इन मेट आप प्रोफेशनल वॉइस क्वालिटी अचीव कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम दोस्तों, मेरा नाम है नाफिज जावेद और आप देख रहे हैं नाफिज टेक। कैसे करते हैं प्रोफेशनल वॉइस क्वालिटी एडिटिंग, चलो देखते हैं। अब एडिटिंग से पहले जब आप वॉइस रिकॉर्ड करोगे उसमें कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है, 3 चीजें अब मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड करोगे मेक श्योर उस टाइम पे या जहां भी आप रिकॉर्ड करोगे बैकग्राउंड नॉइज कम होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम एडिटिंग के थ्रू बैकग्राउंड नॉइज रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जितना आपकी ओरिजिनल क्लिप में बैकग्राउंड नॉइज कम रहेगा उतने बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम ज्यादा नॉइज रिडक्शन करते हैं एडिटिंग के थ्रू तो वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती है, तो मेक श्योर अगर आपके यहाँ दिन में शोर होता है तो आप रात में रिकॉर्ड कर सकते हो या आप दिन में सुबह रिकॉर्ड कर सकते हो, उस टाइम नॉइज कम रहता है। नंबर 2, इस माइक को जितना आप क्लोज रखेंगे उतनी आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी, मुंह में भी नहीं रखनी है माइक, क्लोज रखना है, क्वालिटी अच्छी आएगी। और नंबर 3, जिस रूम में या जिस प्लेस में आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो मेक श्योर वहाँ पे इको कम होना चाहिए। अगर आप छोटे रूम में रिकॉर्ड करते हो वहाँ पे इको बहुत कम होता है। अभी ये मेरा रूम थोड़ा सा बड़ा है, खाली पड़ा है, यहाँ पे थोड़ा इको होता है और मुझे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा छोटे रूम में आप रिकॉर्ड करेंगे, या अगर आपका रूम भी थोड़ा सा बड़ा है आप वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, फर्नीचर रखेंगे, पर्दे एट्सेट्रा ऐड करेंगे, वो चीज़ें आपकी साउंड एब्जॉर्ब करेंगे, साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगी, इको नहीं होगा, साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है रिकॉर्ड करते टाइम पे। अब एडिटिंग की बात करते हैं, ये क्लिप मैंने अभी रिकॉर्ड की है, हम इसी को एडिट करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 रहेगा हमारा नॉइज रिडक्शन, हम इस क्लिप से नॉइज रिमूव करेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में आपको कुछ भी नहीं बोलना है, ऐसे इनको खाली छोड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है और यहाँ से मेरे वोकल्स है। यहाँ पे जब आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो बैकग्राउंड नॉइज रिकॉर्ड होगा, जो एनवायरमेंटल नॉइज होगा आपके वहाँ वो रिकॉर्ड होगा और ये हमें नॉइज रिमूव करने में हेल्प करेगा। हम इस पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर आना है, यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर, फिर यहाँ पे नॉइज रिडक्शन और यहाँ पे गेट नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इससे हमने सॉफ्टवेयर को बताया है कि ये पार्ट नॉइज है, अब हमें इस नॉइज को रिमूव भी करना है। रिमूव कहाँ से करना है, पूरी की पूरी क्लिप से। तो हम पूरी क्लिप सेलेक्ट करेंगे, दो तरीके हैं, कंट्रोल ए आप प्रेस कर सकते हो या सिंपली आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, पूरी की पूरी क्लिप सेलेक्ट हो जाएगी। फिर से जाना है ऊपर, इफेक्ट पे क्लिक करना है, नॉइज रिमूवल एंड रिपेयर, नॉइज रिडक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 2, इन सेटिंग्स को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, अगर ज्यादा नॉइज रिमूव करना है तो इन सेटिंग्स को थोड़ा चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्रेसिव सेटिंग नहीं डालनी है, आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। अब मेरी सेटिंग्स कॉपी कर सकते हो, इसको ऐसे ही छोड़ना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, एक क्लिक में नॉइज रिमूव हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 है हमारा कॉम्प्रेशन। जब भी हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी हम थोड़ा जोर से बोलते हैं और कभी कभी हम धीरे बोलते हैं, तो कॉन्सिस्टेंट वॉल्यूम पाने के लिए हम यूज करेंगे कॉम्प्रेसर। उसके लिए जाना है ऊपर, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे वॉल्यूम एंड कॉम्प्रेशन, फिर यहाँ पे कॉम्प्रेसर पे क्लिक करना है। अब ये सेटिंग्स भी आप खुद अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो या आप ऐसे ही रख सकते हो और यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, जो सॉफ्टर पार्ट्स होंगे उनको ये थोड़ा सा लाउड करेगा और जो लाउडर पार्ट्स होंगे उनको थोड़ा सॉफ्ट करेगा, हमें कॉन्सिस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा थ्रू आउट द क्लिप। अब स्टेप नंबर 3, बेस एंड ट्रेबल हम ऐड करेंगे। बेस एंड ट्रेबल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इसमें थोड़ा सा बेस ज़्यादा है और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इसमें ट्रेबल ज़्यादा है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा बेस और ट्रेबल क्या होता है। हम बेस और ट्रेबल दोनों ऐड करेंगे, उससे हमारी क्लिप में क्लैरिटी ऐड होगी, वाइब्रेंट और प्रोफेशनल ऑडियो हमें मिलेगा। तो बेस एंड ट्रेबल ऐड करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही बहुत ईजी है, दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। जाना है ऊपर, यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे EQ एंड फिल्टर्स, यहाँ पे ग्राफिक EQ पे क्लिक करना है। अब ऊपर जाना है, यहाँ पे प्रीसेट्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है, फैक्ट्री प्रीसेट्स, फिर यहाँ पे बेस बूस्ट
और सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है तो बेस बूस्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही हम ट्रेबल भी बूस्ट करेंगे। फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना है, EQ एंड फिल्टर्स, ग्राफिक EQ, प्रीसेट्स एंड सेटिंग्स, फैक्ट्री प्रीसेट्स, ट्रेबल बूस्ट और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब बेस और ट्रेबल हमने ऐड कर लिया है, यह है एक तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ, इसको मैं पहले अंडू करता हूँ। अब हम ऊपर जाएंगे, यहाँ पे फिर से इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, EQ एंड फिल्टर्स, यहाँ पे ग्राफिक EQ पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से जो आपकी आवाज़ है उस हिसाब से बेस एंड ट्रेबल एडजस्ट कर सकते हो। ये लेफ्ट हैंड साइड में बेस है, ये राइट हैंड साइड में ट्रेबल है। ये बस एक बार करना है, बार बार नहीं करना है। बस एक बार अपने हिसाब से इस अपनी आवाज़ के हिसाब से इन सेटिंग्स को आप चेंज करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे वन क्लिक में आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है। इसको हम सेव एज प्रीसेट भी कर सकते हैं। प्रीसेट एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है, सेव प्रीसेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसका नाम रखना है, जैसे हम रखेंगे प्रीसेट 5 और ओके पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे आप अपना ये प्रीसेट यूज़ कर सकते हो। इफेक्ट पे क्लिक करना है, EQ फिल्टर्स, ग्राफिक EQ, यहाँ पे आपका प्रीसेट दिखेगा। या अगर आपको यहाँ पे अपना प्रीसेट नहीं दिखता तो आप यहाँ पे ऊपर प्रीसेट सेंड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, यूज़र प्रीसेट्स पे क्लिक करना है और प्रीसेट 5 यहाँ पे आप देख सकते हो और अप्लाई पे क्लिक करना है। हमने बेस एंड ट्रेबल ऐड कर लिया है, अब बस दो और इफेक्ट्स ऐड करने हैं। फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना है, इस बार वॉल्यूम एंड कंप्रेशन पे क्लिक करना है, अब नॉर्मलाइज पे क्लिक करना है, इस सेटिंग को ऐसे ही रखना है और अप्लाई पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी क्लिप में वॉल्यूम एडजस्ट होगा, एक स्पेसिफिक लेवल के बाहर हमारी आवाज नहीं जाएगी। अब लास्ट वाला हमारा स्टेप है लिमिटर, हम अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी आवाज बाहर जा रही है, ये वो आवाज है जो कानों में चुभती है जब कोई सुनता है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए हम इसको एक रेंज के अंडर लाएंगे, उस रेंज के बाहर हमारी आवाज नहीं जाएगी। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं लिमिटर। ऊपर जाना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, यहाँ पे लिमिटर। इन सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो या आप ऐसे ही रख सकते हो। सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो वो बाहर वाला पार्ट रिमूव हो चुका है। अब हमारी वॉइस क्लिप नहीं होगी, ना ही डिस्टॉर्शन हमें मिलेगा, क्योंकि एक रेंज के अंडर हमने इसको लिमिट किया हुआ है। तो ये था हमारी वॉइस एडिटिंग का लास्ट और फाइनल स्टेप। अब ये रिजल्ट आप देखो, और ये है रिजल्ट। अब यही 5 स्टेप्स फॉलो करके ऐसी वॉइस क्वालिटी अचीव कर पाओगे। आपको यही 5 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं और आपको ऐसी वॉइस क्वालिटी मिलेगी। इजी है ना, लाइक कर देना। सो आपने देखा, आपने घबराना नहीं है। मे बी फर्स्ट टाइम आपको एक कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन बस 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नॉइज रिडक्शन, कंप्रेसर, बेस एंड ट्रेबल ऐड करना है, फिर नॉर्मलाइज, फिर लिमिटर। किसी जगह आप इनको नोट करेंगे। फर्स्ट टाइम मे बी कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन फिर जब सेकंड थर्ड टाइम आप वॉइस एडिटिंग करने के लिए जाएंगे तो आप अंडर 1 मिनट ऐसी वॉइस क्वालिटी अचीव कर पाओगे। ये मैंने आपको PC पे दिखाया। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, मोबाइल फोन पे, किसी भी ऐप पे वॉइस एडिट करोगे, प्रोसेस यही रहेगा, बस थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर की लिंक और ऐप की लिंक जिसपे फोन पे आप एडिट कर सकते हो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको कुछ हासिल होगा इस वीडियो से। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाकी लाइक तो आपने किया ही होगा, पेज को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।